सभी को नमस्कार। मैं मंगल मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एवेस्टी, एमजेडी गवर्नमेंट कॉलेज तारानगर, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज अपन देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये एमजीएससी यूनिवर्सिटी बीकानेर के सिलेबस में बीकॉम फाइनल का टॉपिक है। अब गुडविल की वैल्यू याद करने से पहले अपन ये देखेंगे कि गुडविल क्या चीज़ है, क्या होती है गुडविल। किसी व्यापारी या संस्था में एक विशेष प्रकार का गुण जो बिजनेस में प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक दूसरी व्यापारी या संस्था की तुलना में एक अलग पहचान स्थापित करता है। यानी गुडविल एक इंटेंजिबल असेट से एक अमूर्त संपत्ति है जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। जिस प्रकार असेट्स बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती, उसी प्रकार गुडविल भी प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि गुडविल भी एक असेट्स है। इसे अपन एक एग्जांपल की सहायता से समझ सकते हैं। मान लो कि तारानगर के मार्केट में तीन व्यापारी है, एक्स, वाई और जेड। एक्स लगभग 5 साल पहले अपनी दुकान खोलता है और सालाना अभी फिलहाल 8 लाख रुपए का प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है। इसी प्रकार वाई भी लगभग 5 साल पहले दुकान खोला था और लगभग अभी 5 लाख रुपए सालाना प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है। ठीक इसी प्रकार जेड अभी साल भर पहले 20 लाख रुपए की कैपिटल लगाकर व्यापार प्रारंभ किया था साल भर पहले, और इसको सालाना इस साल में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। अब यहाँ देखो कि इसको तो एक्स को 8 लाख रुपए का प्रॉफिट प्राप्त हुआ है और वाई को 5 लाख का प्रॉफिट प्राप्त हुआ है और जेड को 2 लाख रुपए प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है कि इनके प्रॉफिट में इतना डिफरेंस कैसे है? अब ये देखेंगे, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एक्स और वाई को मार्केट में आए हुए 5 साल हो गए, जबकि जेड तो अभी साल भर पहले मार्केट में आया है। यानी जेड के पास तो जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो, किस वजह से प्राप्त हुआ? नॉर्मल प्रॉफिट की वजह से। यानी जेड को जो प्रॉफिट प्राप्त हुआ वो गुडविल की वजह से प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक जेड के पास तो वही ग्राहक आए जो चलते फिरते ग्राहक है, वही जेड के पास में आए, जबकि एक्स और वाई के पास तो इनकी दुकान तो मार्केट में जम चुकी है, इनकी ग्राहकों की इनकी कस्टमर अच्छी पकड़ हो चुकी है और इनके परमानेंट कस्टमर बन चुके हैं। इसलिए क्या हुआ कि इनके पास तो इतना 8 लाख रुपए और वाई के पास 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, जबकि जेड के पास चलते फिरते किराए के आए इसलिए इसके पास 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी जेड को जो भी प्रॉफिट प्राप्त हुआ वो ओनली किसके वजह से प्राप्त हुआ? ओनली नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हुआ। और अब यहाँ अपन क्या करेंगे, एक लाइन खींच देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट यानी एक्स की यदि गुडविल नहीं होती तो उसको भी ओनली 2 लाख रुपए प्रॉफिट प्राप्त होता जिस प्रकार जेड को प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार यदि वाई की भी गुडविल नहीं होती तो उसको भी ओनली 2 लाख रुपए नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होता। चलो ये बात तो समझ में आ गई अपने कि ये तो अभी साल भर पहले दुकान खोला था, इनकी कस्टमर पे अच्छी पकड़ नहीं और इनके परमानेंट कस्टमर नहीं बने इसलिए इनको कोई इतना खास प्रॉफिट प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन एक्स और वाई के प्रॉफिट में इतना डिफरेंस कैसे है? भाई इन्होंने तो लगभग साल भर 5 साल पहले दुकानें एक साथ खोली थी, तो एक्स को 8 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ और वाई को 5 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ, इनके प्रॉफिट में डिफरेंस कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एक्स को जो 8 लाख रुपये का प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, ये हो सकता है कि एक्स का जो बिहेवियर है कस्टमर के प्रति वो बहुत ही अच्छा है वाई की तुलना में, ठीक है। एक ये भी हो सकता है कि एक्स वाई की तुलना में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माल बेचता हो, यानी जो भी उसको एक्सेस प्रॉफिट प्राप्त हुआ वो उसकी गुडविल की वजह से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये जो 6 लाख रुपए एक्सेस प्रॉफिट प्राप्त हुआ है ये एक्स की गुडविल की वजह से प्राप्त हुआ है, और वाई को जो एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए का प्रॉफिट प्राप्त हुआ है वो उसकी गुडविल की वजह से प्राप्त हुआ है, और जेड को ओनली अभी तक कोई गुडविल की वजह से प्रॉफिट प्राप्त नहीं हुआ, उसको तो ओनली नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब ये देखेंगे अपन कि एक्स अब इनके मेथड वैल्यूएशन की कौन कौन सी मेथड्स है। अब इनकी मेथड्स के बारे में चर्चा करने से पहले अपन ये देखेंगे कि इसके नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इसका सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और उसका टोटल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं,
क्योंकि इनकी मेथड्स के ऊपर ये बहुत ही ये प्रॉफिट इस मेथड्स पर बहुत डिपेंड करता है। तो आगे अपन देखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। यदि अपने को क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दी होगी और साथ में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी होगी तो अपन इस फॉर्मूले की सहायता से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100, तो अपने पास निकल के आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। और यदि अपने को एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में नहीं दी होगी और हो सकता अपने को क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दी होगी तो अपन क्या करेंगे, पहले ओपनिंग कैपिटल उसका अपन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे अपन, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपन डिवाइड कर देंगे 2 से, तो अपने पास निकल के आ जाएगी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और फिर अपन क्या करेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकलने के बाद अपन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इंटू करके अपन नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब जैसे मान लो अपने को क्वेश्चन में क्या है कि ओपनिंग कैपिटल दी होगी और साथ में करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट दिया होगा तो अपन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। इसको इस फॉर्मूले की सहायता से हम निकाल सकते हैं अपन, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस यदि अपने को आफ्टर टैक्स करंट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स के बाद का करंट ईयर प्रॉफिट, तो अपन क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस 1/2 ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यदि अपने को ओपनिंग कैपिटल ना देके क्लोजिंग कैपिटल दी होगी तो अपन कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 1/2 ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये तो अपने समझ में आ गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे अपन। यदि अपने को ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दी होगी तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे यानी दोनों को ऐड करके दोनों को प्लस करके 2 का भाग दे देंगे। और यदि अपने को ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दी होगी और साथ में करंट ईयर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट दिया होगा तो अपन क्या करेंगे,
ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस 1/2 ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी आफ्टर टैक्स करके बाद के लाभ का आधा ले लेंगे, ठीक है। अब क्लोजिंग कैपिटल दी होगी और साथ में करंट ईयर प्रॉफिट दिया होगा, तो अपन क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से अपने लाभ करके बाद के लाभ का आधा ले लेंगे, अपन इसमें से लेस कर देंगे, यानी ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 1/2 ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ठीक है, अब अपने पास ये देखो, अपने पास ओपनिंग कैपिटल तो दी होगी और ना अपने को करंट ईयर प्रॉफिट दिया होगा, ना अपने को क्लोजिंग कैपिटल दी होगी, तो अपन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, पहले क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी होगी। वो कैसे निकालेंगे अपन, ये देखो, फिर क्या होगा, अपने को क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी, अपने को असेट्स और लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी होगी, उसकी सहायता से अपन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैसे, यदि अपने को असेट्स और लाइबिलिटीज दी होगी तो अपने को क्या करना होगा, पहले जैसे फिक्स असेट दी होगी, फिक्स असेट्स को क्या करेंगे अपन, रिलाइजेबल वैल्यू पहले ले लेंगे उसको, फिक्स असेट्स को क्या अपन रिलाइजेबल वैल्यू वसूली मूल्य पर ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद में करंट असेट को किस पर लेंगे अपन, यदि कोई करंट असेट्स के ऊपर कोई प्रोविजन है तो उस प्रोविजन को घटाने के बाद ही करंट असेट लेंगे करंट असेट्स, आफ्टर प्रोविजन। चलो ठीक है, ये भी ले लेंगे। इसके बाद में और क्या लेंगे, नॉन ट्रेड ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेंगे, ओनली ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को ले लेंगे, और इसके बाद में इंटेंजिबल असेट्स को ले लेंगे, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि को, यदि कोई रिलाइजेबल वैल्यू होगी तो लेंगे, लेकिन इसमें गुडविल को कभी भी नहीं लेंगे, ठीक है, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क किस पर लेंगे, रिलाइजेबल वैल्यू पर। और इसमें गुडविल को नहीं लेंगे अपन। यदि कोई वसूली मूल्य होगा इंटेंजिबल असेट का तभी लेना है, और गुडविल को नहीं लेना है। और साथ में यदि असेट साइड में फिक्टिशियस असेट्स मीन्स प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स हो सकता है, या अंडरराइटिंग कमीशन होता है, तो इन फिक्टिशियस असेट्स को अपने को नहीं लेना है। अब क्या, इसके बाद में अपने को क्या करना है, इसके टोटल में से अपने को ऑल करंट लाइबिलिटीज घटा देनी है, ऑल करंट लाइबिलिटीज यानी कि टोटल लाइबिलिटीज को घटा देनी है, इसमें से कौन कौन, एक्सक्लूडिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व, एनी टाइप रिजर्व एंड सरप्लस और प्रपोज प्रिफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर डिविडेंड्स। तो अपन क्या करेंगे, इसमें से टोटल में से अपन क्या करेंगे, लाइबिलिटीज घटाएंगे, लाइबिलिटीज घटा देंगे, किस किस को छोड़कर, आउटसाइड लाइबिलिटी को घटाएंगे, यहां लिख देते हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज, यानी आउटसाइड लाइबिलिटी को घटा देंगे इसमें से। आउटसाइड लाइबिलिटीज मीन्स टोटल लाइबिलिटीज में से अपन इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, एनी रिजर्व एंड सरप्लस, प्रपोज्ड प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड या इक्विटी शेयर डिविडेंड आदि को अपन इसमें, इनको छोड़कर बाकी जो भी होगी वो आउटसाइड लाइबिलिटीज हो जाएगी अपनी, और इसमें से टोटल फिक्स असेट्स में से अपन इसको आउटसाइड लाइबिलिटी को घटा देंगे, तो अपने पास आ जाएगी एवरेज क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपने को ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दी होगी
तो फिर इस फॉर्मूले की सहायता से ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में 2 का भाग देके अपन क्या करेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। और फिर अपने को जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी होगी तो उससे क्या करेंगे, इनटू करके अपन नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। जैसे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइड बाई 100। तो इस प्रकार अपन नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। इसके बाद में अपन देखेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बारे में।